जामनगर एयरपोर्ट पे मेहमानों का स्वागत लोक संगीत से होगा और गुजरात की जो पहचान बन चुकी है गुजराती गरबा उससे होगा। आप देख सकते हैं लोक संगीत की ओर से और खासतौर पे गुजराती गरबा की ओर से जिस तरीके से तैयारी की गई है और गुजराती गाने के साथ यहाँ पे जो भी मेहमान आज आएंगे चाहे वो विदेश से हो या देश से हो आज उनका स्वागत इसी गानों से होगा। और आज की घड़ी बहुत ही अच्छी है, सुनहरी है, ये गुजराती में कहा जा रहा है। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करूँगी लेकिन आप ये परफॉर्मेंस जरूर देखें कि आज हर दिल में ये इच्छा है, ये खुशी है कि जामनगर में आज शादी का जैसे कि माहौल बना हुआ है, ऐसा माहौल है। वैसे प्री वेडिंग सेरेमनी है लेकिन प्री वेडिंग सेरेमनी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे लोग हैं वो जुड़े हैं बाहर से भी, लोकलाइट से, उनके जहन में भी आज बहुत खुशी की ये जो इच्छाएं हैं वो दिखे। मेरे साथ जो कलाकार है उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। बताइए अंबानी परिवार के लिए क्या तैयार किया है आपने? आज अंबानी परिवार में जो लग्न का अवसर आया है उसी अवसर में देश दुनिया से जो जाने माने हस्ती आ रही है, जो मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए ये गुजराती लोक संगीत गाया जा रहा है। अच्छा, आपने राधिका बहन के लिए और अनंत अंबानी जी के लिए कुछ बनाया है? हाँ, उसके लिए जो पारंपरिक गुजराती लग्न गीत है वो भी हम गाने गाते सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए सारे न्यूज़ 18 नेटवर्क के दर्शकों जी। हाँ, के कोयल बैठी आंबलिया निला मारो मोरलियो बे थोरे गढ़ने कांग रे गुजरात से पंचमहाल गोधरा से आए हैं, बहादुर भाई गढ़वी मेरा नाम है। बहादुर भाई जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खासतौर पे ये शुभकामनाएं हैं वो प्रस्तुत की है अनंत जी को लेकर के, राधिका बहन को लेकर के, और ये शुभकामनाएं दिल से दिल तक पहुंच रही है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ दीपिका कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, जामनगर।